वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की रिन्यूअल का अमल शुरू करने का हुक्म दिया। मज़ीद बात होगी, समा के नुमाइंदे आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम नसीर, इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला ने कहा था कि हम ये रिन्यू नहीं होने देंगे, अब इसको मामले को प्रोसेस में डाला जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, समा जैसे कि किरण, आज दोपहर को ही ये खबर हमने ब्रेक की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के जो पासपोर्ट उनकी तजदीद है उसके लिए प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया गया है और दोनों ने अपनी तजदीद कराने का फैसला किया है। और इसी सिलसिले में ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये कह दिया गया है कि इन दोनों वीवीआईपीस के जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, इन्हें इंसानी बुनियादी हकूक को उनका मुतासर ना किया जाए और इनके जो पासपोर्ट की रिन्यूअल है ये फौरी तौर पर शुरू की जाए। तो ज़राए का ये बताना है कि जो प्रोसेस शुरू होना था वो अब कल सुबह इनका कभी इम्कान है कि इनके पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द इन दोनों के पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद खासतौर पर इसहाक डार जो कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी है, इसहाक डार की वतन वापसी का जो राह में जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका 3.5 साल कबल पासपोर्ट जो है वो मनसूख हो गया था, जिसके बाद वो पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे और इसके अलावा उनके ऊपर और कोई चार्ज नहीं है कि वो वहाँ पर मजीद अपना स्टे करें। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ का जो मामला है वो आने वाले दिनों में फिर उसका फैसला किया जाएगा कि वो कब वापस आते हैं। लेकिन अगर बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, आपने अपडेट किया।